और बताओ कैसे फील हो रहा? थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड, थोड़ा थके थके, धक 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 धक। अच्छा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। सो गाइज, आज का कुछ प्रोग्राम होने वाला है कि हम हैं वेडिंग फोटोग्राफी में, और वेडिंग फोटोग्राफी आज भी हमारे पास नाइट की शादी है, तो रात को अभी तो मंगल स्नान चलेगा और फिर रात को बारात आएगी। सो दिखाते हैं आपको मंगल स्नान का कुछ खास प्रोग्राम और मंगल स्नान के कुछ शॉर्ट्स, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आज की फोटोग्राफी होने वाली है कुछ खास, क्योंकि आज शादी है कंटाग लॉज में, कृष्णा वेडिंग पॉइंट में, जो कि पोखरी वाली रोड पर पड़ता है, तो आज यही होगी फोटोग्राफी। गाइस, कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से बिल्कुल बिजी शेड्यूल हो रखा है, बिल्कुल भी रूम पे जाने का टाइम नहीं मिल रहा, कपड़े यही चल रहे हैं, तीन दिन हो गए शर्ट पर, वही शर्ट चल रही है अभी भी। जैसे ही मंगल स्नान से फ्री होंगे तो एक चक्कर चलेंगे रूम पर नहाने धोने के लिए। गाइस, आजकल लगातार भाग दौड़ चल रही है, फील्ड का काम चल रहा है आजकल वेडिंग फोटोग्राफी का, और लगातार मतलब ये मान के चलो कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ब्लॉग कभी शाम को अपलोड हो रहा है तो कभी सुबह हो जा रहा है, कभी मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग में डाल दे रहा हूँ, और शाम को अगर टाइम लग रहा तो रात को ब्लॉग डाल दे रहा हूँ। फिलहाल हो चुकी है मंगल स्नान की तैयारी, और पंडा जी हो गए हमारे शुरू काम पे अपने, और फिर हम भी करते हैं अपना काम स्टार्ट। फिलहाल तो मंगल स्नान निपट चुका है, मंगल स्नान कंप्लीट हो चुका है, और अब फिलहाल जाएंगे हम यहाँ से रूम पे, नहाना धोना होगा हमारा, और फिर आएंगे शाम को बारात के लिए। चल जांदू चूला चाय की केतली से हुंदी यक सुबा भार बेटी जब आंदा यक लोग यकी बस जांदू जो देवभूमि घूमा कोदा झंगोरा यक उगदू चु धान देवी कु घर और देवता कु स्थान गंगा भी यक च और चार धाम तभी चु देवभूमि यक कु। गाइस, फिलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और मौसम हो चुका है बड़ा बिंदास, बारिश आ रही है अभी फिलहाल। कुछ देर पहले बहुत बड़ा तूफान आया था मार्केट पर, पूरे बोर्ड बोर्ड उड़ गए थे, और अब मौसम सही हो गया, फिर बारिश लगी है। 3-4 दिन पहले यहाँ आग लगी थी, जिसमें पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था, और आज थोड़ा बारिश आई तो मौसम हो चुका है बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, धुंध हट चुकी है अब बारिश आने की वजह से। सो गाइस, बारिश लग चुकी है तो थोड़ा बारिश रुकने का करेंगे हम इंतज़ार, और उसके बाद चलते हैं अपने काम पे। जैसे मैं आपको बताया था कि टुडे वेडिंग नाइट वेडिंग है, तो आज उसको शूट करना है हमने, तो
टाइम लग जाएगा हमारे 7-8 बजे से जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और सुबह के 4 भी बज सकते, 5 भी बज सकते, या तो 2-3 बजे जो भी प्रोग्राम ख़त्म होगा। फिर मिलते हैं आपसे। फिलहाल का सीन ये है कि गाय जी दुल्हन हो चुकी है तैयार, और हम पहुँच चुके हैं वेडिंग हॉल पे, जहाँ हमारे आज की वेडिंग शूट होना है। तो पहले फोटो शूट कर लेते हैं दुल्हन की, और फिर मिलते हैं आपसे। कुछ भी नहीं है ये जहाँ है तो है इसमें जिंदगी, पूरा सेटअप है ओके, और इंतजार करते हैं भारत का। रात के बज चुके हैं 12, और अब जाके हमारा हो रहा खाना पीना, क्योंकि रिसेप्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है, और उसके बाद तो जो फेरा फूरा होगा वो उसके बाद होगा। फिलहाल खा लेते हैं खाना, फिर मिल। फिलहाल बेदी सज चुकी है, दूल्हा दुल्हन पहुंच चुके हैं बेदी में, और थोड़ा चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद होगी बेदी हमारी स्टार्ट। कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही। किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे सुबह के बज चुके हैं 5:30, और अब जाके हो रहे हम फ्री, और अब जाके देखते हैं क्या होता है। सो जाएंगे हम आराम से 9-10 बजे तक, और जो ब्लॉग अपलोड होगा वो हो जाएगा हमारा 10-11 बजे तक। फिलहाल पहुंच चुके हैं हम मेन मार्केट आशीर्वाद लॉज में, मेन मार्केट कर्णप्रयाग आशीर्वाद लॉज में, और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ, फिर उसके बाद सत्य ड्यूटी फिर एक बार लगेगी हमारी, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो गया, और दिन के 1-2 बजे फिर एक प्रोग्राम में जाना है। तो कुछ टाइम आराम कर लेते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर।